अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल नहीं रही थी, इस वजह से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर स्टार्टिंग दिस क्लास सो लेट। समथिंग केम अप एंड आई हैड टू अटेंड दैट थिंग। सो यस, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। आप लोगों का मैंने कीमती टाइम वेस्ट कर दिया, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इस लेक्चर को इतनी अच्छे से हम इसको कंप्लीट करें और हम इसमें इतनी चीजें सीखें कि आपका जो टाइम मैंने वेस्ट किया वो आप लोग का इसमें रिकवर हो जाए। ठीक है, तो जी जरा बताएं आप लोग कैसे हैं, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू तो नहीं हुआ? और अगर कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ, नहीं तो फिर हम अपना जो आज का कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। जी क्लास बताइएगा जरा फटाफट से। ओके अलहमदुल्ला। ओके जी, हम आपको कैनवस का साइज बता देते हैं। आपने क्या करना है कि जब भी आप इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे ना, सॉरी नॉट दैट, वेन एवर यू ओपन इलस्ट्रेटर यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी जॉइन फ्रॉम ओके परफेक्ट। सो वे वर वी? ओके, सो वेन एवर यू विल ओपन द इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर यू विल यू विल सी दिस सी दिस डायलॉग डायलॉग बॉक्स। ठीक बॉक्स। है, ठीक है, अब अब इसमें इसमें होगा होगा क्या क्या कि कि इसमें से ना इसमें से ना आप आप किसी भी किसी भी कोई कोई भी भी साइज साइज का पे ना, ना आप आपको कैनवस कैनवस साइज पे साइज है से ना, ना आप आप उसको उसको एडजस्ट एडजस्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं। सो सो मेक मेक पोस्ट। पोस्ट। ओके जी, ओके जी, अपने अपने माइक म्यूट माइक कर म्यूट लें कर आप लिया सब। आंसर जी, जी। तो तो आपको आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मंथ आएगा, आएगा बिकॉज़ बिकॉज़ मैंने मैंने 2023 2023 वर्जन जो है उसको 2023 वर्जन इंस्टॉल जो है किया हुआ है, इंस्टॉल तो किया हुआ है, मैंने तो मुझे ज्यादा ज्यादा कुछ कुछ यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं नहीं दिए। लेकिन दिए अगर हैं। आपने लेकिन अगर आपने 2023 2023 ऑक्टोबर ऑक्टोबर में में भी भी किया किया तो किया तो आपको यहाँ आप पे यहाँ पे इंटरव्यू इंटरव्यू होंगे। छूट ठीक होंगे। है, ठीक है, तो तो अगर तो अगर आपको तो आपको आइडिया है आइडिया है डायमेंशन के डायमेंशन के बारे में बारे तो में आप तो आप उनमें से उनमें कोई से भी कोई ले भी लें। ले ठीक लें। है, ठीक है, फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल आप अगर आप लेटर को लेटर करना को करना चाह चाह रहे रहे हैं हैं या या सेव सेव ये ये मोबाइल मोबाइल फोन फोन या या वेब वेब पे पे जाए जाए ना, ना, तो तो आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर बनी 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 हुई हुई डायमेंशन डायमेंशन मिल मिल जाती जाती है। है। ठीक ठीक है, है, फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर अगर आपको आपको कोई कोई डिजाइन डिजाइन बनाना बनाना चाहते चाहते हैं हैं या या फिर फिर आप आप कोई कोई मोबाइल मोबाइल स्क्रीन स्क्रीन का का बनाना बनाना चाहते चाहते हैं हैं तो तो आपको आपको इसमें इसमें मिल मिल जाएगा। जाएगा। लेकिन लेकिन अगर अगर आप आप खुद खुद से से कोई कोई डिजाइन डिजाइन या या कोई कोई डायमेंशन डायमेंशन लेना लेना चाहते चाहते हैं हैं तो तो उसके उसके लिए लिए आपको आपको क्या क्या करेंगे करेंगे ये ये देखें। देखें। ये ना ये ना साइड साइड पे पे आपको आपको कुछ कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस नजर नजर आ आ रहे रहे हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ पर पर सबसे सबसे पहले पहले तो तो आपने आपने उस उस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट का का मीनिंग मीनिंग लिखना लिखना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, जैसे कि जैसे कि मैंने मैंने लास्ट लास्ट में में पिछले पिछले सीख सीख लेते लेते हैं। हैं। दैट इज बैच दैट इज 62। 62। ठीक है, ठीक और है, और यहाँ से यहाँ से आप आप विथ और विथ और हाइट हाइट को को कर कर लेते लेते हैं। हैं। अगर तो अगर तो आपको आपको कोई कोई आइडिया आइडिया नहीं नहीं है है तो तो इसके इसके बारे बारे में में आपको आपको ज्यादा ज्यादा टेंशन टेंशन लेने लेने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, क्योंकि क्योंकि जो जो आपका आपका क्लाइंट क्लाइंट होगा होगा ना, ना, वो वो आपको आपको खुद खुद ही ही बता बता देता देता है है कि कि उसको उसको किस किस लिए लिए डिजाइन डिजाइन में में चाहिए। चाहिए। ठीक ठीक है, है, फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर अगर आप आप लोग लोग कोई कोई सोशल सोशल मीडिया मीडिया की की पोस्ट पोस्ट बना बना रहे रहे हैं हैं या या वैसे वैसे तो तो आप आप लोग लोग लोगों लोगों ही ही बना बना रहे रहे हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, लोगों लोगों को को मैं मैं टेन टेन एटी एटी बाय बाय टेन टेन एटी एटी रेफर रेफर करूंगी। करूंगी। अगर अगर आप आप लोग लोग किसी किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का का नाम नाम होगा होगा तो तो वो वो खुद खुद तो तो खुद खुद ही ही आपको आपको डायमेंशन डायमेंशन का का ना ना आइडिया आइडिया हो हो जाएगा। जाएगा। लेकिन लेकिन अगर अगर आप आप लोग लोग वैसे वैसे ही ही काम काम करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो मैं मैं आपको आपको ये ये रेफर रेफर करूंगी करूंगी कि कि आप आप टेन टेन एटी एटी लिख लिख लें। लें। टेन टेन एटी एटी हाइट हाइट लें लें और और इसी इसी के के ऊपर ऊपर आप आप अपना अपना जो जो डिजाइन डिजाइन है है उसको उसको बनाना बनाना शुरू शुरू कर कर दें। दें। ठीक ठीक है, है, ये ये हमारे हमारे पास पास इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की की पोस्ट पोस्ट है है ना, ना, ये एक ये एक होता होता है है डायमेंशन डायमेंशनल साइज। साइज। ठीक ठीक है, है, तो तो इसको इसको करके करके मैं मैं करूंगी करूंगी क्रिएट। क्रिएट। अब अब हम हम लोग लोग आगे आगे हैं हैं अपने अपने कैनवस कैनवस पे। पे। ओके, ओके, मैं मैं देख देख लेती हूँ, एक लेती हूँ, सेकंड एक रुकिए सेकंड जरा, के जरा मैं मैं सबके सबके माइक को भी माइक को म्यूट भी कर म्यूट लेती कर हूँ। लेती हूँ। ओके, अब आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर है? ओके जी। ओके क्लास, तो इसके अलावा और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। लेट मी सी योर मैसेजेस क्विकली मैम। ओके जी। ओके, सो व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे इज, वी आर गोना लर्न टुडे द शेप टूल, सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बहुत ही एक जरूरी चीज बता दूं। ठीक है, वो ये कि ये आप लोगों के पास है नीचे कलर्स का एक ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको व्हाइट और ब्लैक ना कुछ शो हो रहा होगा। तो बेसिकली ये होता क्या है, द व्हाइट कलर यू आर सीइंग हियर इज द कलर ऑफ द फिल। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर ब्लैक नजर आ रहा है ना, ये आपका स्ट्रोक का कलर है। ठीक है, जिसे हम लोग आउटलाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक ले लेते हैं शेप। अब शेप को मैं लेने लगी हूँ। ठीक है, शेप को लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है देखें। अब मैंने शेप को ड्रॉ किया ना, तो इसमें आपको कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी व्हाइट कलर जो है वो फिल है।
लेकिन जैसे ही अगर मैं कोई और कलर फिल करूंगी तो ये देखिए इसमें ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आउटलाइन में हमें ब्लैक कलर अभी तो शो नहीं हो रहा, रुकें जरा इसकी हम लोग थोड़ी सी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, ये देखें अब आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये जो दो दोनों कलर्स है ना, ये आप लोगों ने इसका खास ख्याल रखना होता है आप लोग जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब फिल को नहीं लेना होता तो वो फिल को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बैकग्राउंड भी व्हाइट होता है, फिल भी व्हाइट होता है, तो फिर बाद में जब वो डिजाइन बनाते हैं ना तो वो नहीं बनते। आप लोगों ने इस चीज से बिल्कुल भी परेशानी होना, हम जब भी जो भी लोगो बनाएंगे मैं आप लोगों को बताया करूंगी कि कब आप लोगों ने उसको फिल रखना है और कब नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब जरा चलते हैं फटाफट से अपनी शेप्स की तरफ। तो शेप्स अब आप लोगों के पास ड्रॉ करने के लिए ना कुछ इस तरह से ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट तो आपने इसको ड्रैग करके आप नीचे ले आए, ठीक है, तो ये आपकी जो शेप है ये ड्रॉ हो गई। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, आपने सिर्फ सिंपली आकर कैनवस के ऊपर क्लिक करना है तो आपको वो एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें वो कहता है कि डायमेंशन आपको मिल जाती हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायमेंशन दें और आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी ये इस तरह से आप बना लें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होता है कि आपने जब भी इसको ड्रैग करना है ना, अगर आप लोग शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करके बॉक्स बनाएंगे तो देखें आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल एक स्क्वेयर की फॉर्म में हमारे पास जो बॉक्स है ना ये आ रहा है। तो नॉट ओनली फॉर दिस शेप, बल्कि आप जब भी किसी भी अपने शेप को या किसी भी चीज को रीसाइज करेंगे और आप उसको शिफ्ट की मदद से करेंगे तो क्या होगा कि वो हमेशा आपकी एक स्क्वायर की फॉर्म में यानी इवन फॉर्मेट के अंदर ही वो आपकी चीज जो है ना उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ से मैं फिर से चलती हूँ रेक्टेंगुलर टूल में, ठीक है। सबसे पहले अब मैं शिफ्ट की मदद से कुछ जो है उनको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो हमने रेक्टेंगल एक टूल लिया है इसमें हमारे पास शेप भी है और स्ट्रोक भी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास फिल में भी कलर है। और मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ फिल को हम लोग कर देते हैं नन, ठीक है। ये देखें आपके पास नीचे तीन ऑप्शन होते हैं, या आप कोई कलर कर लें, या आप ग्रेडियंट कर लें, या फिर आप नन कर दें। नन का ये मतलब है कि आप उसको अगर नन कर देते हैं ना तो उसमें कोई भी कलर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक न्यू शेप ले रही हूँ, ठीक है, ये हमने शेप ली और इसका अब जो कलर है ना उसको मैं कर रही हूँ नन, ठीक है। तो ये देखें जो सेंटर में जो कलर था वो गायब हो गया और सिर्फ हमारे पास क्या है, अब हमारे पास स्ट्रोक बचा है। अब मैं फिर से एक और शेप लेने लगी हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गई शेप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिल का कलर हम रखेंगे लेकिन हम जो स्ट्रोक का कलर था उसको हम लोग कर देंगे नन, ठीक है। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पास तीन शेप जो है वो डिफरेंट तरह से आ गई, ठीक है। ये देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ गई। अब आपको आई होप पता चल गया होगा कि आप अगर फिल के साथ ले रहे हैं, स्ट्रोक के साथ ले रहे हैं, या फिर विदाउट स्ट्रोक ले रहे हैं तो आपकी किस तरह से होगी, ठीक है। तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका मजीद पता चल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब अपने सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। मैं फिर से एक शेप जो है उसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिएगा जरा सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब भी कोई सर्कल जो है उसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जब भी फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कर दिया, अब उसको करने के बाद होगा क्या कि आप उसमें कोई भी चीज एडिट वगैरह करने लगे हैं, कलर चेंज करने लगे हैं, तो हो सकता है आप नेक्स्ट पे पहुंच गए हो लेकिन आपका जो आप नेक्स्ट जो शेप है आप उसको करने जा रहे हो लेकिन अभी भी ना आपका लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो सिलेक्टेड हो। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये रेक्टेंगुलर टूल पे हैं, ठीक है, आप इसी टूल के ऊपर रहते हुए, ठीक है, आप ये देखें इस तरह से हमने एक शेप ड्रॉ की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करने लगी हूँ, मुझे न्यू सर्कल लेना है लेकिन मैं कलर यहाँ से फिर से चेंज कर रही हूँ, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, ये आना है आप लोगों ने सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। एक दफा सिलेक्शन टूल पे आके दोबारा से उस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इश्यू होता है, आपको बार बार सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। बेशक आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट किसी और टूल के अंदर रहते हुए ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है तो अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये होगा, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप लोगों ने सिलेक्शन टूल को नहीं सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी शेप्स की ओके जी शेप हमने एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सिलेक्शन टूल के अंदर ये डिफरेंस है कि देखें ये ना कुछ आपको एंकर पॉइंट्स ये नजर आ रहे हैं ये व्हाइट कलर के, मैं थोड़ा सा इसको मजीद जूम कर देती हूँ, ये देखें ये कुछ आपको व्हाइट कलर के ना एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो सिलेक्शन टूल को पकड़ते हुए आप जब भी इसको करेंगे ना तो ये आपके चारों साइड्स के जितने भी एंकर पॉइंट्स होंगे ना ये उन सबको
सबके ऊपर एडिटिंग वगैरह करेगा, ठीक है। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप सिर्फ किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ते हुए उसके ऊपर आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, तो ये आपको सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बेनिफिट होता है, ठीक है। ये टूल हम लोग मजीद लोगोज में आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये जब होगा तो फिर ही आपको पता चलेगा, बट इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दे रही हूँ एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आप लोगों ने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, मैं आपको जरा उसकी कॉपी देना बता देती हूँ, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी हो तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप सिंपली उसके ऊपर करें क्लिक, यहाँ से आए एडिट में, एडिट में आने के बाद आप लोग जाएं कॉपी, फिर से एडिट में जाएं और यहाँ से आकर आप लोग कर दें पेस्ट, ठीक है। तो ये देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, उसको सेलेक्ट करें अपने कीबोर्ड से, करें कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल सी वी किया तो देखें फिर से हमारे पास आ गई एक शेप। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग सिंपली इसको मूव करने से पहले अपने कीबोर्ड से करें आल्ट प्रेस करें, ठीक है। आल्ट को प्रेस करते हुए आप इसको मूव कर लें तो आपकी जो कॉपी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉपीज जो है ना वो ले सकते हैं। एक और मजे की चीज ये कि जब आप आल्ट के साथ कॉपी ले रहे हैं तो अगर आप लोग शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे ना, तो आपकी जो कॉपी है ना वो बिल्कुल आपके किसी 30 के, 45 के, ठीक है, 90 के, ये देखे बिल्कुल स्ट्रेट एक एंगल के अंदर रहते हुए आपकी जो कॉपी है ना वो आएगी, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद मतलब से आप कॉपीज ले सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट से ना हम यहाँ से कुछ एक शेप लेके तो हम कॉपीज उसकी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल लिया, अब मैं कॉपी आल्ट की मदद से ले रही हूँ, ठीक है, आल्ट और शिफ्ट की मदद से। ये हो गया, ओके, ठीक है। अब ये चारों ली, अब हम मजीद इसकी ना कॉपीज मैं ऐसे करके ले लेती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा मैंने कैसे कॉपीज ली हैं, अगर नहीं भी पता चला तो आप लोग बाद में लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ जाने लगे हैं। सिलेक्शन टूल को तो हमने देख लिया, वो उसमें से आपके चारों साइड जो है वो चेंज होंगी, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको ये एक भी कर सकते हैं। तो अच्छा, एक को करने से पहले ऐसे नहीं करना कि उस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो तो फिर सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे ना, नहीं। आपने जब आना है ना तो आपने सिर्फ उसके किसी एक एंकर पॉइंट जहां पर आपको ये व्हाइट वाला पॉइंट नजर आएगा आपने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें अब ये एक पॉइंट सिर्फ मुझे विजिबल हुआ। इस एक पॉइंट को मैं ड्रैग करके नीचे लेके आ रही हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। अब मुझे यहाँ पर दो चाहिए तो देखें एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, अब दूसरे पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने शिफ्ट जो है कीबोर्ड से प्रेस कर लूंगी, ठीक है, इसको प्रेस करके। तो अब ये देखें मैंने इसको मूव करके नीचे ले आई। इसी तरह से मुझे थ्री चाहिए, फर्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करते हुए दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर तीसरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैं ले आई नीचे। अब फिर से हमने यहाँ से इस एंकर पॉइंट को, सॉरी, अब तो हमें चारों चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करें, चारों के चारों जो है वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इन चारों पे क्लिक किया तो ये देखें कुछ इस तरह से आ गए, ये हो गया। अब एक और चीज यहाँ से देखें, मैं फिर से एक एंकर पॉइंट पे इसको करके मैं करी हूँ ब्लेंड, ठीक है। अब ये वापस यही जो पॉइंट है ना जिसके वजह से मैं इसको नीचे ड्रैग करके ले गई, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है डबल क्लिक। अब ये देखें कॉर्नर में आपको मजीद दो और ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। अभी जो हम कर रहे थे ये फर्स्ट वाला था, आप लोगों ने अब सेकंड वाले को यूज करना है, ठीक है। इन्वर्टेड को मैंने किया तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। अब फिर से मैं इन दोनों को करके ये हम इसको इधर ले आते हैं और यहाँ से इनको सेलेक्ट करते हुए जाते हैं कॉर्नर पे। ये इसका सिर्फ एक ही हुआ तो सेकेंड को करने के लिए ना आप, वेट अ सेकेंड, ये आप लोगों को इश्यू आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनको बिल्कुल सेंटर में ना लेके जाइएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब शिफ्ट की मदद से इन दोनों पे क्लिक किया तो अब देखें दोनों को मैं फिर से करके, तो ये हमारे पास आ गए कॉर्नर, ठीक है। मैं फिर से अगेन कर रही हूँ, इस एक एंकर पॉइंट को लिया, फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए इस एक एंकर पॉइंट को लिया, अगेन शिफ्ट प्रेस करते हुए इस एंकर पॉइंट को लिया। अब इन तीनों को मैं पकड़ के ले आई नीचे की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके जा रही क्योंकि वो फिर एक ही जगह पे चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक करके इन तीनों के ऊपर शिफ्ट की मदद से क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये तीनों मेरे हो गए सेलेक्ट, अब इन तीनों के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने देखे इनको किया तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप्स जो है वो बन गई। अब क्योंकि हमें इन चारों की चाहिए, इन चारों को करते हुए अगर हम ऐसे सेलेक्ट करके भी आप लोग करते हैं ना तो उस सूरत में भी ये हो जाएगा। ओके, नहीं हुआ फॉर सम रीजन, सो वी विल डू इट अगेन। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट की मदद से हम इन चारों को कर लेते हैं सिलेक्ट। क्लास मुझे बताएं आप लोगों को समझ आ रही है ना। ओके, ये कॉर्नर लिया, ठीक है, ये हो गया इस तरह से हमारा कॉर्नर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से मैं इसको ले रही हूँ, इस वाली शेप को, और यहाँ से हम सिर्फ एक एंकर पॉइंट लेंगे।
अब इसको करके मैंने क्या करना है, ये जो थर्ड वाला है ना हमारे पास ऑप्शन, अब इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ना ये इन चीजों का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह से इन सारी चीजों को आप लोग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नई जो शेप्स है ना वो आप लोग बना सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा किया, ओके नो, इसको भी करना था, लेट मी कैंसिल इट एंड दिस सेलेक्ट बॉट एंड ओके हिट ओके, ठीक है ओके। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी जल्दी चीजों को ना कैच कर लेते हैं, तो उनके लिए वैसे इतना इश्यू नहीं होता, बट जिनको नहीं भी आ रही, आप लोग दोबारा दोबारा से ये सारा प्रोसेस देखिएगा, ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक बड़ा मजे का ना प्राइस टैग बन गया। अच्छा इसकी नहीं हुई, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। ये देखें ये आप लोगों के पास एक प्राइस टैग बन गया, ये इसी तरह के होते हैं ना। अब इन चारों को मैं लेके करती हूँ, तो ये आप लोग देखिएगा ये किस तरह से बनेगी, दिस एंड दिस, ओके जी। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आपके पास जो शेप्स है ना ये बन जाएंगी। और ये सारी शेप्स आप लोगों ने बनानी है कैसे, मैंने सिर्फ रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए किया ना, आपने इन सब शेप्स को बना के तो आपने इस तरह से कुछ पिक्चर्स बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट जो आप लोगों की होगी मैं आप लोगों को एक डेमो उसका दिखा दूंगी, ठीक है। मैं एक ग्रुप में एक पिक्चर सेंड कर दूंगी, तो आप लोगों ने उसी तरह से अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी होगी। तो अब मैं मजीद डिफरेंट शेप्स पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एक शेप ही ना ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या फायदा है, तो ये देखिएगा जरा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लिया, अब ये देखें मेरे पास बिल्कुल एक सर्कल है, तो इसको देखें आप सिंपली ऐसे एग की फॉर्म दे दें, ठीक है। तो ये जो शेप बिल्डर टूल है ना ये बहुत ही, सॉरी शेप बिल्डर कह नहीं हूँ, ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये बहुत ही मजे का आपके पास टूल है, आपने बस इसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। ओके जी, सो नेक्स्ट इज वी हैव, मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ले रही हूँ, वन ओके वेट, आर्ट मैंने प्रेस नहीं था किया सो। अच्छा एक और चीज है आपके पास कॉपीज लेने का, अब ये देखिएगा ये मैं भला क्या प्रेस कर रही हूँ, मैं कंट्रोल सी भी या कुछ भी ऐसा प्रेस नहीं कर रही, मैंने सिर्फ कंट्रोल डी को प्रेस किया। कंट्रोल डी क्या होता है, कंट्रोल डी सिर्फ और सिर्फ ना आपके प्रीवियस सेक्शन को रिपीट करता है, बल्कि कॉपी या पेस्ट कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं करता। जो भी आप लोगों ने लास्ट पे कोई एक एक्शन परफॉर्म किया होगा ना, ये आपको सिर्फ वही वाला एक्शन जो है ना वो रिपीट करके देता है। इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें विजिबल रहे कि हम लोग बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। ओके इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। अब ना मैं ना आपको दो डिफरेंट शेप्स को ना आपस में मर्ज करना या उनको आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर रफ सी ना एक मैंने स्टार लिया है, ठीक है, ताकि इसकी मदद से ना आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से आपके पास शेप्स हैं, अगर आप लोग शेप्स को आपस में सब्सट्रैक्ट या फिर एड वगैरह करना चाहते हैं तो उस सूरत में। ओके जी, दिस एंड वी हैव दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जिन दो शेप्स को आप लोग करना चाहते हैं ना उन दोनों शेप्स को आप कर लें सिलेक्ट। ये दोनों शेप्स को हमने कर लिया सिलेक्ट, तो ये देखें यहाँ पर आपको राइट साइड पर प्रॉपर्टीज में पाथ फाइंडर का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इन सबको यूनाइट करने का, ये देखें जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो दोनों शेप्स थी ना हमारे पास वो दोनों शेप्स मर्ज होकर एक शेप बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट जब मैं इन दोनों को करके सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो भी आप लोगों की शेप फ्रंट पे होगी ना वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और सिर्फ जो आपकी बैक पे शेप होगी वो ही रिमेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड वन, इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ आप लोगों की वो शेप रहेगी जिसमें दोनों शेप्स आपस में कंबाइन होंगी, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड पे भी वही शेप हो और फ्रंट पे भी वही शेप हो, ठीक है। तो जहां जहां वो मर्ज करी होंगी वो सिर्फ आपकी शेप रहेगी, ठीक है। जो सिंगल एक लेयर होगी ना आपकी शेप की वो आपकी रिमूव हो जाएगी। देखें ये देखें यहाँ पर बॉक्स के बाहर भी जो सिंगल स्टार जा रहा था वो भी रिमूव हो गया, बॉक्स के अंदर भी जो बॉक्स का था स्टार के अलावा वो भी रिमूव हो गया। इसी तरह इसी के ऑपोजिट अगर आप लोग फोर्थ वाला करते हैं, तो फोर्थ में क्या होता है कि जो भी आप लोगों की दो शेप्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और जो सिर्फ सिंगल शेप रहती है वो रिमेन होती है। अब मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जब मैं आप लोगों को लोगोस बनाना सिखाऊंगी ना तो फिर आप लोग करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने इनको करना है प्रैक्टिस और आप लोगों ने अच्छे से अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है, ठीक है। अच्छा जी ये चीज होगी, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं, अनडू और रीडू के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ से मैं ले रही हूँ रेक्टेंगुलर टूल, शिफ्ट की मदद से ही मैंने इसको प्रेस किया, शिफ्ट की मदद से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब ये देखें मैंने ना एक एक्शन किया है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरा एक्शन है ये रहे। तो अब
मैं क्या करूंगी वापस आने के लिए, या तो फिर हम यहाँ पर आएंगे एडिट में तो मैं इसको कर दूंगी अनडू कॉपी. इससे क्या होगा, जो भी मैंने इस वक्त एक एक्शन किया होगा वो मेरा हो जाएगा अनडू. लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि ओहो नहीं, ये तो हमें वो चीज चाहिए थी तो हम उसको दोबारा से लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, आप लोग सिंपली कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करें तो उससे आपका रीडू हो जाएगा, ठीक है. या फिर सॉरी, अभी हम शॉर्टकट कीज की तरफ नहीं जाते, या फिर आप लोग सिंपली यहाँ यहीं से आके जैसे आपने अनडू किया इसी तरह से आप रीडू कर लीजिएगा. इसी तरह से आप लोग के पास कॉपीज लेने के लिए ऑप्शंस ये भी मौजूद होंगे कि आप सिंपली या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी करें तो अनडू हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो रीडू हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी शेप्स को ड्रॉ, ठीक है. तो शेप्स का प्रिटी मच हमारा इतना ही था, तो आई होप आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी. लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना ये काम आप लोगों का सिर्फ इतना ही सही है, ठीक है, आज का, कि आप लोगों ने इन शेप्स को ड्रॉ करना है. असाइनमेंट में आप लोगों को डेमो दिखा दूंगी, ठीक है, आप लोगों ने किस तरह से करना है. उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब अपनी थ्योरी की तरफ. अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ लें. ओके जी, गिव मी अ मिनट. ग्रेडियंट अभी हम लोगों ने नहीं किया, वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोगों को अभी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अभी सिर्फ शेप्स की तरफ नहीं, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, जो कि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगो डिजाइन करने के लिए. तो आप लोग सिर्फ उसी को करें, ठीक है. ग्रेडियंट को कैसे करना है, कलर्स, कलर थ्योरी किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे. शो डेमो ऑफ असाइनमेंट, अभी मुझे उसको व्हाट्सएप से डाउनलोड करना पड़ेगा. वेट, लेट मी डाउनलोड इट. ओके जी, सो वी हैव लोगो क्लास वेयर, जरा मैं इसको ढूंढ लूँ, ठीक है. ओके, हियर वी हैव दिस. अच्छा, इसमें कलर जो थ्योरी है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ना दिखा देती हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना एक जनरल आइडिया हो जाए. फिर में जाए, ओके जी, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन. मुझे बताइएगा आप लोगों को विजिबल है या नहीं. शेयर, ओके जी, तो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है. ये थोड़ा सा कलर जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग मतलब कुछ मजीद अच्छे बेहतर कलर्स कर सकते हैं तो आप उनको यूज कर लीजिएगा, नहीं तो ये मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ, ठीक है. कुछ इस तरह से आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है ना वो होती हैं. ठीक है, क्लास क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का. जी क्लास बताइए. ओके परफेक्ट, तो मेन जो आप लोगों का काम था ना वो यही था, ठीक है, इन शेप्स को ही आप लोगों ने करना था, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. अब इसके अलावा ना हम लोगों की थ्योरी है कुछ, ठीक है, जो हम लोगों ने करनी है, कुछ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हैं जो कि मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी, तो उसके लिए बट आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज आई एम फेसिंग सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हेयर सिंस मॉर्निंग, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ अरेंज करके तो क्लासेस जो है उनको कंप्लीट कर लूँ, बट एज यू ऑल कैन सी, सॉरी यू कॉन्ट बिकॉज आई हैव स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. मैं लैपटॉप की जो चार्जिंग है वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोग को करवा दी. इसके अलावा जो PDF फाइल है वो मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो उसके लिए मैं ये करूंगी कि मैं उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग जो है ना वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी. लेक्चर जब मैं ड्राइव के अंदर अपलोड करूंगी तो मैं उसी के साथ उसको भी कर दूंगी, ठीक है, साथ में मैं PDF को भी शेयर कर दूंगी. लेकिन अगर फिर भी आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उन सबको क्लियर कर दूंगी. तो आप लोग अगर परमिशन देते हैं इस चीज़ को तो मुझे बता दें, क्या आप सब लोग इस चीज़ से एग्री हैं, या मतलब आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है, बिकॉज ये जो मैं अभी एक इशू देख रही हूँ आप इसके साथ कंपनसेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अनसर्टेन सिचुएशन है जो कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. सो या
मेन चीज में एक्चुअली मैंने आपको आके करवा दिया, ठीक है? तो बाकी का जो है ना थ्योरी वगैरह वो मैं आप लोगों को लास्ट में करवा दूंगी, इवन अगर नहीं भी हुई तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बट आज के लिए आप लोगों का यही काम है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, ठीक है? अपनी शेप्स को, सारी शेप्स आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ एक रेक्टेंगुलर टूल जो है ना वो करके दिखाया है। मैंने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी मैं यही काम करती हूँ, बट मैं इसमें ये है कि थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा स्टडी चलती हूँ, ठीक है? लेकिन आज क्योंकि मुझे पता था टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट फास्ट करके, लेकिन मैंने चीजें आप लोग को ऑलमोस्ट सारी कवर करवा दी। डेट ऑफ सबमिशन आप लोग मुझे 2 डेज के अंदर अंदर, यानी नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग मुझे कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की फर्स्ट असाइनमेंट है, तो इसलिए मैं कोई भी आप लोगों को रश नहीं करना चाहती चीजों में, तो आप लोग मुझे कर दीजिएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है जी। क्लास तो फिर ठीक है, आप लोगों में से किसी को कोई भी इश्यू तो नहीं है? अगर है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, ठीक है? संडे तक, बिकॉज नेक्स्ट क्लास मंडे का, बिल्कुल आप लोग मंडे नेक्स्ट क्लास तक आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है।